हेलो एवरीवन, सो ये काफ़ी रैंडम वीडियो रहेगा। हम लोग आज बनाने जा रहे हैं ब्रेड पकौड़ा, वेरी इजी टू मेक। अगर आपके पास टाइम नहीं है स्टफिंग का या फिर पोटैटो का स्टफिंग बनाने का टाइम नहीं है, यू हैव लेस टाइम एंड क्विकली आपको क्रिस्पी कुछ बनाना रहेगा, सो दिस विल बी वन ऑफ द यू नो इजीएस्ट एंड क्विकेस्ट यू नो मेथड टू मेक ब्रेड पकौड़ा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज इन्ग्रीडियंट्स। सो ये है बेसन, एज पर द नीड हम बेसन लेंगे। ये है लाल मिर्च, हल्दी, नमक, अजवाइन, ये है बेकिंग पाउडर, ये थोड़ा सा धनिया लेना होगा हमें, धनिया, और ब्रेड को ऐसे काटना होगा आपको दैट वे। सो और इन द मीन टाइम मैंने धीमी आंच पे ऑयल भी गर्म करके रखा है। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमें अपने टेस्ट के अनुसार इसमें फर्स्ट लाल मिर्च, देन हल्दी, देन नमक, अजवाइन, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, हल्का से लेना है बेकिंग पाउडर हमें, इतना ज़्यादा नहीं। ओके, सफिशिएंट इतना बेकिंग पाउडर, आई विल पुट सम मोर। ओके, देन थोड़ा यहाँ पे डाल देंगे हम, वाटर, मेक श्योर कि ज़्यादा पतला ना हो जाए। ओके, देन हम इसको स्टर करेंगे। ओके, सो लाइक आपको ऐसे स्टर करना होगा इसको दिस वे। ओके, मेक श्योर करिएगा कि ये थोड़ा पतला ना हो जाए, थोड़ा सा थिक होना चाहिए दैट वे। सो एटलीस्ट इतनी थिकनेस होनी चाहिए, ज़्यादा भी पतला नहीं। एंड इसको हम एक या दो मिनट के लिए ऐसे रखेंगे। तो एक बार ऑयल गर्म हो गया प्रॉपरली तो फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, सो इसको जैसे ऐसे डिप करना है हमें। ओके, दिस वे। ऐसे डिप करके हमें वी गोना पुट इट अंडर दिस। मेक श्योर ऑयल ज़्यादा प्रॉपरली गर्म हो गया रहेगा, सो लाइक पकने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये। और आई नो इट इज़ नॉट दैट गुड रेगुलरली, बट या वंस इन अ ब्लू मून आप ट्राई कर सकते हो जस्ट फॉर द टेस्ट चेंज, और यू नो जल्दी से बन जाता है, सो दैट इज़ वन ऑफ द प्लस पॉइंट। नॉर्मल आपको मसाले चाहिए होंगे इसके लिए, बाकी तो इट इज़ वेरी ईजी जैसे आप देख सकते हो ये। सो ड्यू टू बेकिंग सोडा जो हमने डाला है उसके वजह से उसको थोड़ा ये मतलब यू कैन सी थोड़ा उबर गया, राइट? सो बिकॉज ऑफ दैट। ओके, दिस वे, ज़्यादा जलाना नहीं है, आई मीन आई थिंक इट इज डन नाउ, कैन यू सी, कैन सी, परफेक्ट, राइट? सो यहाँ पे मैंने ऐसे। सो गाइज, ऐसे आप इजीली बना सकते हो, वेरी इजी, वेरी सिंपल, वेरी क्रिस्पी एंड ईजी टू मेक। आप इसको इधर केचप के साथ खा सकते हो या फिर आप इसको सबसे स्पेशल चाय के साथ यू कैन हैव एंड एंजॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।